तेरे घर को ढूंढता है, जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। अब सुनो तो ये सुरीली आवाज जो आप सुन रहे थे, ये है पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर रामपाल सैनी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्यों यहाँ पर गाने गुनगुनाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर साफ शब्दों में दिखाई दे रहा होगा कि अगर है म्यूजिक से प्यार तो बनो सिटी के अगले सिंगिंग स्टार। यानी कि अगर आप भी करनाल सिटी के अगले सुपर स्टार बनना चाहते हैं, सिंगर सिंगिंग स्टार बनना चाहते हैं, तो आप भी रेडियो सिटी में आकर अपने ऑडिशंस को दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएवी पीजी कॉलेज में किस तरीके से जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो अपने ऑडिशंस देते हुए यहाँ पर नजर आपको आ जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि रेडियो सिटी 91.9 एफएम सुपर सिंगर का ये सीजन 14 है, यानी कि 13 सक्सेसफुल सीजन के बाद ये 14वां सीजन है जो कि इस बार फिर से करनाल में होने जा रहा है। लेकिन इस सीजन में सबसे खास बात यह है कि जो भी बच्चे, चाहे मैं स्कूल कॉलेजेस की बात करूं या फिर उसके अलावा जो भी सिंगर सिलेक्ट किए जाएंगे जो कि ग्रैंड फिनाले में जाएंगे, उनको मेंटोर करेंगे पद्मश्री कैलाश खेर, जिनके बारे में यानी कि जो किसी भी पहचान के तो मोहताज है नहीं, हम हर कोई उनके गानों को पसंद करते हैं। कैलाश खेर जी की अगर मैं बात करूं, और ऐसे में वो खुद उन सुपरस्टार को मेंटोर करेंगे, उन्हें उनकी बारीकियों को बताएंगे कि वो किस तरीके से अच्छे से अच्छा गाना गा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सर भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा गाया, और यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। आरजेज आपको देखने को मिल रहे हैं, आरजे रॉकी हैं, आरजे अमन हैं, जो किस तरीके से यानी कि स्टूडेंट्स से भी बातचीत कर रहे हैं अपने इस सीजन के बारे में, जो बता रहे हैं किस तरीके से आप सिटी का सुपर स्टार बन सकते हैं। और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो एक एक कर ऑडिशन देते हुए आपको जरूर दिखाई दे जाएंगे। और नेक्स्ट ऑडिशन एक बार देख लेते हैं, एक बच्चे से गवा लेते हैं, एक बच्चे को बुला लीजिए आप जरा, हम भी देखना चाहेंगे कि किस तरह के ऑडिशंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं और बच्चे एक एक करके यहाँ पर ऑडिशंस देते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि सुपर सिंगर सीजन 14 का हिस्सा बन सके। और यहाँ पर आप देखिए एक स्टूडेंट आगे आए हैं, और उनको चीयर अप करने के लिए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। और वो आपको गाना सुनाएंगे, जेड ब्लैक शीशे गड्डी पानी बोलिए दुनाड़ी रखा रे, भैया की सयार जान देने भी त्यार, देख लेने बंदा आपा जाली रखा रे, जेड ब्लैक शीशे गड्डी ताली रखा रे, ना कदे दिमाग पे लोड लिया रे, जिंदगी काटी जिस समय जिंदगी काटी जिस समय, भाई डिग्री होल्डर बंदा पे हम काम करा लिया पिस्सा में, जितने देखे सुखना मैं उतने नोट फूक दे दिया मैं, पट्टी जोर या लगा थैंक यू पार्टिसिपेट करने के लिए। जी हाँ, तो इसी तरीके से आप भी ऑडिशन अपना दे सकते हैं। और यार मैं मतलब आप लोग इतना शानदार गा रहे हो यार, मैं सोच रहा हूँ दो लाइंस मैं भी गा दूँ यार। ठीक है जी, ओके। जब जब तेरे पास मैं आया, जिसे मैं था भूलता या, वो वजूद मिला, संभल जा जरा, कोई महाबत करने चला है तू। अच्छा कोई और जल्दी से आ जाओ, यहाँ भी रुक जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट से ज्यादा तो यहाँ आरजेज एंजॉय कर रहे हैं, आरजे अमन है जो जिन्होंने अच्छा सा गा के हमें सुनाया। लेकिन सबसे पहले आरजे रॉकी से बात करूंगी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सीजन 14 है, 13 सक्सेसफुल सीजन के बाद ये 14वां सीजन आ रहा है, किन लोगों के लिए है, किन सुपरस्टार्स के लिए, और क्या कुछ रहने वाला है इसमें? ये सीजन जो है काफी खास है, क्योंकि 13 सीजन जो है बड़े प्यार से गए हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट भी हमें मिला। हरियाणा से बहुत से लोग आए हैं, और इस बार भी जो है लॉकडाउन 2 साल रहा तो ऑन ग्राउंड हम नहीं कर पाए,
पाए, बट इस बार जो है ये ऑन ग्राउंड ऑडिशन हो रहे हैं और बहुत जल्द जो इसका ग्रैंड फिनाले होगा। कैलाश खेर हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, वो एज अ मेंटर हमारे साथ जुड़े हैं इसमें। तो पूरे हरियाणा से कोई भी जो है यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है और बड़ा ईजी वे है। अगर आप ऑडिशन केंटर पर नहीं दे सकते हैं तो घर पर बैठे या जहाँ भी आप हैं वहाँ पर अपना ऑडिशन आप दे सकते हैं। बड़ा सिंपल सा नंबर है, मैं नंबर दिखा भी देता हूँ। यस यस यस, ये ऑनलाइन ऑडिशन हैं, ये नंबर है इस पर 9586060061 या www.radiocity.in/RCSS लॉगिन करके। सिंपल सा तरीका है, कहीं भी बैठ के आप पूरे हरियाणा से ऑडिशन दे सकते हैं और टॉप 5 चुने जाएंगे बहुत जल्दी इन ऑडिशंस के बाद, उसमें से फिर जो है एक जो है वो इस बार के सितारा। हर सीजन में कुछ नया होता है, इस सीजन में नया क्या है? इस सीजन में जो है नया बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत से लोग जो है जो जिनको नहीं पता होता, क्योंकि अब 2-3 साल तो अगर हम बात करें केंटर ऑडिशन की, ऑन ग्राउंड ऑडिशन की, वो नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार जो है हमने प्लान किया है और कैलाश के आप जुड़े हैं एज अ मेंटर, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और जो लोग पहले विनर बन के गए हैं वो आज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, अच्छे उनके अपने एल्बम्स आए हैं और बड़े लेवल पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो जिनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है उनके लिए रेडियो सिटी सुपर सिंगर जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि हरियाणा से हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, हरियाणा से तो हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप अपने ऑनलाइन ऑडिशन भी भेज सकते हैं, जो नंबर हमने आपको दिखाए उस पर। हमारे साथ आरजे अमन भी है। अमन, अभी आपने खुद भी गाना गाया, वेल स्टूडेंट्स के बीच में मैं खड़ी हुई हूँ, यंग ब्लड है, सिर्फ यंग ब्लड के लिए या फिर किसी और के लिए भी है ये सीजन? देखिए मैं आपको बताऊं, हाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए लेकिन हमारा मेन मोटिव ये है, देखो हमारे हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी चीज़ की कमी है तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो है मंच की कमी, और यही रेडियो सिटी ने सोचा, इसीलिए 14वें सीजन तक हम लोग आए हैं रेडियो सिटी सुपर सिंगर। और मैं इससे आगे कुछ बोलूँ उससे पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स को भी थैंक यू करना चाहूँगा जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ, इथर जिन्होंने रेडियो सिटी सुपर सिंगर सीजन 14 प्रेजेंट किया है, उससे अलग एसोसिएट स्पॉन्सर हमारे डबल चाबी बासमती राइस, साई रेजिडेंसीज, मोंटी कार्लो, लैमरीन एंड जेनेसिस, उनको थैंक यू करना चाहेंगे जिनकी वजह से पॉसिबल हो पाया। और जैसा महक आपने पूछा, ये सबके लिए है मंच, ठीक है, लेकिन ये मंच उनके लिए है जो ज्यादा डिजर्व करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऑडिशन दे रहे हैं बट कहीं ना कहीं उनकी आवाज में अभी वो सीखने की जरूरत है, बट हम मौका उनको देना चाहते हैं जो टॉप 5 ऐसे हो जो ताबड़तोड़ गए और जब वो आउट ऑफ यू नो करनाल जाएं या बॉलीवुड में जाएं या पंजाबी इंडस्ट्री में जाएं या हरियाणवी इंडस्ट्री में जाएं तो वो बोले, हक से बोले कि हमने रेडियो सिटी सुपर सिंगर में पार्टिसिपेट किया था और वहां के बाद हमें एक बहुत अच्छी किक मिली और उसके बाद आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं। ग्रैंड फिनाले तक पहुंचते-पहुंचते कौन-कौन से स्टेजेस बीच में रहने वाली? देखिए ऑडिशंस सबसे पहले चल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक पूरा ऑडिशन का बंच बनाकर वी विल सेंड टू कैलाश खेर, और क्योंकि कैलाश खेर किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, कैलाश खेर 5 टॉप 5 को चुनेंगे हमारे शहर से और उन 5 जो कंटेस्टेंट्स होंगे उनको हम लोग आगे लेकर जाएंगे और उनकी पूरी प्रैक्टिस सेशन होगा, पहले गाने उनको दिए जाएंगे, पूरा एक प्रोसीजर है, उनको तैयार करके ही स्टेज पर भेजा जाएगा। अगर मैं प्री कोविड बात करूं, उससे पहले यानी कि कोविड से पहले बहुत ही शानदार प्रदर्शन हमारे जो पुराने सुपर सिंगर्स रहे उन्होंने प्रदर्शन किया एंड आई होप इस बार भी ये ब्लास्ट इवेंट होने वाला है। थैंक यू, इस बार भी ये बहुत ही अच्छा इवेंट रहने वाला है और यहाँ पर आप देखिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं ऑडिशंस के लिए और ऑडिशंस देने वाले हैं। और ऐसे में रेडियो सिटी 91.9 FM की तरफ से सुपर सिंगर सीजन 14 है और ऐसे में जो तमाम बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, एक आधे स्टूडेंट से भी मैं बात कर ही लेती हूँ जिन्होंने गाने गाए हैं यहाँ पर। कौन है यहाँ पर जिसने अपना सिंगिंग का हुनर दिखाया? आपने दिखाया, क्या नाम है आपका? रोहन सैनी। क्या लगता है ऐसे मंच होने चाहिए? होने चाहिए। अब तक कितनी बार परफॉर्म कर चुके हैं कहीं? मैम ये तो मैं 2 बार ही कर रहा था, अभी कर रहा है। पहली बार ही किया, बहुत अच्छा किया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा मैंने सिंगिंग सीखी थी पहले और गया था, पर थोड़ा कंफ्यूज था सिंगिंग करूँ या जॉब करूँ या कुछ करूँ, बट फिर मैं अब आया है तो मैंने कहा चलो आज टैलेंट दिखाते हैं, कोई नहीं आज शर्मा गए तो फिर क्या, आज शर्मा गए तो क्या, अभी 2 गाने गा चुका हूँ। कॉलेज में कौन शर्माता है? कॉलेज में नहीं, बट ये स्टूडेंट्स देखो आप इतने हैं, गाना आता है भी तो क्या कैसा लगेगा है ये वो, ये सब मैं विश्वास नहीं करता। अगर मेरे में टैलेंट है तो मैं गाऊंगा और गाऊंगा। पता चल रहा है कि करनाल से, करनाल से ही हूँ मैं। बहुत सारी लड़कियां भी थी यहाँ पर जो कुछ कुछ बोल रही थी, उनसे भी मैं बात कर लेती हूँ एक बार। हाँ जी, आपका क्या नाम है? गुंजन। गुंजन, गुंजन कहाँ से? कुरुक्षेत्र। आप भी सिंगिंग का हुनर कुछ रखते हैं, गाना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ देखने आए, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसे में तमाम स्टूडेंट्स से देखिए कितने ज्यादा खुश हैं और आप भी इस इवेंट का, आप भी ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप ऑडिशन जरूर दें। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।